ठीक है, आज हम लोग जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है 5.5 उसके लिए जो कि आवश्यक जानकारी है कुछ उसका लेंगे और कुछ एग्जांपल्स वगैरह बताएंगे। तो डिफरेंशिएशन में तुम लोगों ने जो पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन में तुमको जो दिया हुआ है कि जो कि 5.5 में तुमको दिया हुआ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। पिछले क्लास में तुमने लॉग के प्रॉपर्टी के बारे में देखा होगा कि लॉग लॉगरिथम का क्या क्या फार्मूला होता है, लॉग में क्या क्या कर सकते हैं, तो उसका कुछ फार्मूला लॉगरिथम का जो फार्मूला था उसको फिर से रिविजन कर देते हैं जिसकी ज़रूरत हमको इस चैप्टर में भी पड़ेगी। तो एक लॉग का एक फार्मूला था कि कोई भी बेस हो इसमें दो चीज़ का मल्टीप्लीकेशन है तो लॉग में इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्लस में लिख सकते हैं, लॉग एम का प्लस लॉग एन का, बेस तुम्हारा सेम रहेगा ऐसा कर सकते हैं मल्टीप्लाई को प्लस में। दूसरा क्या था तुम्हें याद होगा जो पिछला लेक्चर में देखा होगा, और नहीं देखा है तो पिछले का इसका प्रूविंग वगैरह भी उसमें किया हुआ है, इसमें क्या हो जाएगा तुमको लॉग एम माइनस लॉग एन। तीसरा है तुमको अगर कोई भी संख्या नंबर है उस पर पावर अगर x है तो ये जो x है ये तुमको क्या आ जाएगा, ये x आगे आ जाएगा लॉग के, ऐसा कर सकते हैं आप। चौथा बेस चेंज फार्मूला को भी लिख सकते हो, लॉग b बेस a है, कोई भी लॉग बेस लेना है आपको c तो आप ले लीजिए, जिसका लॉग निकाले थे उसको ऊपर लिखिए और नीचे को नीचे लिखिए और यही तुम्हारा हो जाएगा। और कभी भी इसको जो होता है तुमको एक और पांचवा रिजल्ट तुमको ऐसे रिजल्ट एक और लिख देते हैं याद करने के लिए, ऐसे तो मेन ये रिजल्ट हो गया चार। पांचवा था कि लॉग वन जो होता है किसी भी बेस में वन का डिफरेंशिएशन लॉग जीरो होता है, ए बेस पे ए किसी भी नंबर का लॉग जो है उसी बेस पर वन होता है। और छठा जो तुम्हारा हो गया, सातवां तुम्हारा एक लिख सकते हो कि जबकि हम लोग बेस को और इसको बदलते हैं तो ये तुमको बेस चेंज फार्मूला के आधार पर लॉग ये तुम्हारा निकल सकता है। ये तीन चार सात रिजल्ट हैं जिसपे जिसका तुम यूज कहीं जहाँ भी जरूरत पड़े यही सात रिजल्ट लॉग का जरूरत पड़ेगा। तो इसके आधार पर हम लोग जो है क्वेश्चन अभी जो है इस लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में यही है कि डिफरेंशिएट जब करेंगे तो लॉग लेने से हमको डिफरेंशिएट करना ईजी हो जाएगा। तो जैसे कि कुछ क्वेश्चन ये लॉग का फार्मूला को तुम फिर से इसको एक जगह नोट कर सकते हो जो मैंने लिख दिया। अब तुमको जैसे कि क्वेश्चन है तुमको कुछ जैसे कि एग्जांपल तुम्हारा दिया हुआ है उसी से क्वेश्चन ले लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है जैसे कि डिफरेंशिएट वाई इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर बाय 3x² + 4x + 5। अब है कि यूं ही अगर बिना लॉग इसको सिंपल डिफ्रेंशिएट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं होगा। इसको हाफ पावर करेंगे उसके बाद जो है इसको चेन रूल में जाएंगे, फिर u इंटू भी है, फिर u बाई भी है, तो इस प्रकार से थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा ये। तो डिफ्रेंशिएट तो हो सकता है बिना लॉग लिए भी, लेकिन लॉग लेने से हमें क्या होगा, ईजी होगा। तो इसको जो है तुमने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको नोट डाउन कर सकते हो, वीडियो रोक करके भी नोट डाउन कर लोगे, नोट कर लो, हम इसको मिटा रहे हैं और इसका जो फार्मूला का जब भी जहाँ जरूरत पड़ेगा इसका यूज़ करेंगे हम अभी डिफरेंशिएशन करने में। तो हमको अभी डिफरेंशिएट करना जिसकी चर्चा हो रही है कि तुमको डिफरेंशिएट जब करेंगे इसको तो बिना लॉग के भी डिफरेंशिएट करना क्या होगा, इसको ज़्यादा कठिन होगा, मतलब काफ़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे है कि इसको अगर हम लॉग ले लेते हैं दोनों साइड तो हमें आसानी होगी। तो जैसे कि इसको सॉल्यूशन करते हैं, देखो तो क्वेश्चन को फिर से इसको लिख देते हैं यहाँ पर। तो लॉग वाई इज इक्वल टू है तुमको, तो लॉग लेंगे दोनों साइड तो रूट का मतलब कितना पावर होता है, हाफ पावर भी होता है। चलो इसको सॉल्यूशन करते हैं, वाई इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर बाय 3x² + 4x + 5। अब दोनों तरफ लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड ऑन बेस e, बेस तुम्हारा जो नेचुरल नंबर जो पिछले लेक्चर में डिसाइड किए थे e बेस पर लेते हैं। तो e बेस लिखना जरूरी भी नहीं है,
तो उसको ln भी लिखते हैं, तो log e भी लिख दीजिए, e बेस पर y इज इक्वल टू log e बेस पर, इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा, कैपिटल ब्रैकेट दे दो, x माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर बाय थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, और इस पर पावर कितना होगा ये हाफ। अब इसको लॉग है तो लॉग में क्या होता है, पावर आगे आ जाता है, और जो मल्टीप्लाई में है वो प्लस में आ जाता है, डिवाइड में माइनस में आता है। तो इन सबों को एक एक स्टेप में ही लिख देते हैं, तब अगला स्टेप में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एक ही स्टेप में एक से ज़्यादा काम करते हैं, ये हाफ को हैं। और तुम चाहो तो अलग अलग स्टेप भी इसको ले सकते हो। ये लॉग फिर क्या हो जाएगा तुमको, इसको मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो गया, प्लस में हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस लॉग, ये हो गया थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, ऐसा हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया। अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा तुमको, डी लॉग वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, इधर तो डी बाई डी एक्स पूरे का हो जाएगा, तो चलो एक आधी स्टेप ज़्यादा भी ले लो, चलो ये हो गया हाफ, और क्या होगा तुम्हारा, ये हाफ जो पावर आ गया, और इसका जो तुम्हारा है डिफ्रेंशिएट आ गया तुम्हारा, लॉग एक्स माइनस थ्री प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस लॉग थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। तो इसका क्या होगा तुमको, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसमें क्या होगा कि ये तुमको चेन रूल पे जाएगा डिफ्रेंशिएशन, चूंकि डी लॉग यहाँ पर देखो इधर लिख देते हैं, डी लॉग वाई बाई डी एक्स है, तो पहले इसको क्या करना होगा, डी लॉग वाई बाई डी वाई लिखना होगा हमको, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इसमें भी क्या हो जाएगा तुमको, इसमें भी तुमको हाफ तो खैर बाहर आ गया, और ये हो गया तुमको डी लॉग एक्स माइनस थ्री है बाय क्या होगा तुमको, डी एक्स माइनस थ्री, जिससे कि लॉग का लग जाएगा, आई इंटू डी एक्स माइनस थ्री बाय डी एक्स, ऐसा हो जाएगा इसका, ये भी चेन रूल में चला गया, और दो बाकी दोनों भी तुमको चेन रूल में देना होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा ये, और प्लस क्या हो जाएगा फिर, डी लॉग क्या होगा तुमको एक्स स्क्वायर प्लस फोर, और बाय क्या होगा तुमको डी एक्स स्क्वायर प्लस फोर, जिससे कि डी जैसे ये वाई हुआ तो ये लॉग वाई, तो डी वाई डी लॉग वाई बाई डी वाई क्या हो जाएगा तुम्हारा, वन बाय लॉग वाई, वन बाय वाई आई, और इसको क्या करना पड़ेगा, डी एक्स स्क्वायर प्लस फोर बाय डी एक्स, ये भी तुम्हारा हो गया, और एक माइनस वाला है उसको भी लिख लो, तो माइनस में क्या हो जाएगा, डी बाय डी डी यह तुमको लॉग थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव बाई डी थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव इंटू डी थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव बाई डी एक्स, और ये कैपिटल ब्रैकेट क्या होगा तुमको बंद हो गया। तो ये इतना चेन रूल पे ये इतना लिखना पड़ा, अब तुमको धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, तो लॉग वाई बाई डी लॉग वाई बाई डी वाई कितना होता है, वन बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया इधर का लेफ्ट साइड खत्म, और वन बाई टू है तो इसका क्या हो गया तुम्हारा, वन बाय एक्स माइनस थ्री हो गया, ये वन बाय एक्स माइनस थ्री, और इसको अलग अलग करेंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स वन हो जाएगा और थ्री का डिफरेंस जीरो हो जाएगा, एक ही बार लिख दिए, और प्लस हो जाएगा फिर कितना, वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस फोर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंस है टू एक्स, फोर का डिफरेंस है जीरो, तो टू एक्स प्लस जीरो, और माइनस हो गया वन बाय थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, और इंटू क्या हुआ, थ्री एक्स स्क्वायर का तुमको एक्स थ्री तो बाहर आ गया था, सिक्स एक्स प्लस फोर, तो तुमको ये जिसको कि दिक्कत है तो एक ज़्यादा स्टेप भी इसको ले सकते हो डिफ्रेंशिएट करने के लिए, और आई होप कि अब तो इतना फ्रीक्वेंसी आ गया होगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए। तब डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये वाई से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई
जो वन बाय वाई है इधर चला गया, तो अब क्या बच गया यहाँ पर, ये तुम्हारा बच गया कितना, तुमको यहाँ तो वन माइनस जीरो तो वन ही हो गया, तो वन बाय क्या हो गया तुम्हारा एक्स माइनस थ्री हो गया प्लस टू एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर बाय थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। और y का वैल्यू कितना था जो क्वेश्चन से लाएंगे तो वहाँ से उसका वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर सकते हैं। तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, y का वैल्यू कितना हो गया, तुमको इसको रख दो अंडर रूट एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर बाय थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। और इसका क्या हो गया तुमको वन बाय एक्स माइनस थ्री प्लस टू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस प्लस नहीं माइनस था सिक्स एक्स प्लस फोर बाय थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, ये हो गया आंसर। तो ये तुम्हारा डिफ्रेंशिएट हो गया, तुम्हारा एक जो एग्जांपल था तुम्हारा पहला जो 5.5 का एनसीईआरटी बुक में वो सॉल्व कर दिए, समझ में आ भी गया होगा उम्मीद है। तो कैसे पहले करना पड़ा, लॉग लेने से क्या हुआ तुमको, लॉग पहले ले लिए जिससे कि वाई हाफ पावर था तो वो बाहर आ गया, फिर जो मल्टीप्लाई में है वो क्या जाएगा प्लस में और डिवाइड वाला माइनस में आ गया, फिर दोनों तरफ लॉग लिए, लॉग लेने के बाद लॉग लिए तो जिसमें हो गया, फिर डिफ्रेंशिएट दोनों साइड जब किए तो इसमें चेन रूल दोनों में लागू करना पड़ा, उसके आधार पर क्या हो गया डिफ्रेंशिएट हो गया। इस प्रकार लॉगरिथमिक के आधार पर हम लोग लॉगरिथम का जितना फॉर्मूला अभी लिखे थे उसको हमने यूज किया और जिसका कि पिछला लेक्चर में प्रूफ भी दिया हुआ है। तो ये तुम्हारा हो गया पहला एक एग्जाम्पल, तुमको 5.5 जो इस लेक्चर से तुमको 5.5 जो एक्सरसाइज है वो तुम बना सक पाओगे, और तुमको जो जरूरत होगा जो हर तरह के जो एग्जांपल दिए हुए हैं मैं उसको बता दे रहा हूँ, और भी कुछ टाइप के इस क्वेश्चन होते हैं इस एक्सरसाइज में उसको भी मैं बता देता हूँ जिसमें कि लॉग लेना अनिवार्य होता है। अच्छा इस क्वेश्चन में तो ये था कि बिना लॉग के भी ये बन जाता, लेकिन लॉग लेने से क्या हुआ हमको कुछ कैलकुलेशन में जितना कि यू बाई वी यू इंटू वी ये सब लागू नहीं करना पड़ा, इससे हमको सुविधा हुई। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिसमें लॉग लेना ही पड़ेगा अदरवाइज नहीं तो नहीं बनेगा वो, जैसे कि कोई क्वेश्चन एक लेते हैं पहले डिफ्रेंशिएट जो कि एक फार्मूला के रूप में भी जैसे हम लोग लेते हैं, जैसे डिफ्रेंशिएट करना है फाइंड डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स। अब देखो इसमें कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं इसमें फार्मूला लगाने का कोशिश करते हैं एक्स टू द पावर एन वाला जो फार्मूला होता है, तो उस फार्मूला और इसमें क्या अंतर है ये देखो पहले कन्फ्यूज नहीं हो। तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन होता है, लेकिन यहाँ पर n जो है तुमको ये कांस्टेंट होता है, n कांस्टेंट है मतलब इसका वैल्यू नहीं चेंज कर सकता है, और यहाँ पर जो तुमको n और x भी x वेरिएबल है, यहाँ x क्या है वेरिएबल जो बदल सकता है, यहाँ पर क्या है यहाँ पर उल्टा है एक ढंग से, x जो पावर है वही तुमको वेरिएबल है, तो आप ये फार्मूला लागू इसमें नहीं कर सकते हैं x टू द पावर n का, चूंकि यहाँ पर जो पावर है वो वेरिएबल है और यहाँ पर पावर क्या है कॉन्स्टेंट, ये पावर कॉन्स्टेंट के लिए फार्मूला है, एन जो भी होगा वन बाई टू हो सकता है लेकिन फाइव बाई सिक्स हो सकता है, जो भी होगा एक कांस्टेंट एक क्वेश्चन में होगा तभी ये फॉर्मूला लागू होगा, और यहाँ पर एक्स जो होता है जिसे जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें वो एक वेरिएबल पॉइंट होता है, तो ये लागू नहीं कर पाइएगा ये फार्मूला, ये ध्यान रखें। तो इसको ये लिखना कि एक्स ए पावर एक्स माइनस वन ये लिखना गलत होगा, तो इसको बनाएंगे कैसे, तो देखो इसको लॉग ही लेना पड़ेगा इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो लेट वाई इज इक्वल टू इसको डिफ्रेंशिएट करना है ए टू द पावर एक्स, इसमें देखो इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका था लॉग ले लो, लॉग वाई इज इक्वल टू क्या होगा लॉग ए टू द पावर एक्स, और इसमें लॉग का रूल होता है तुमको क्या कि इसको आगे कर सकते हैं, तो लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स बाहर आ गया लॉग ए, अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं डी लॉग वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स एक्स लॉग ए डी लॉग वाई बाय डी वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये अब इसका वैल्यू हो जाएगा तुमको इसका जब हम लोग करेंगे तो डी क्या होगा तुमको डी लॉग एक्स है तुमको, तो डी इसमें क्या हो जाएगा लॉग ए तो तुम्हारा कांस्टेंट हो तो बाहर आ जाएगा, एक्स इंटू जो कांस्टेंट होता है जो मल्टीप्लाई में रहेगा तो ये क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, तो लॉग ए तो कांस्टेंट ही है, इधर क्या बचेगा डी एक्स बाय डी एक्स, तो ये हो गया तुमको लॉग वाई का डिफरेंशिएट क्या हो गया वन बाय वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा तुमको
लॉग ए बेस ई इंटू वन हो गया तुमको, वन तो इसका हो ही गया वैल्यू डी एक्स बाई डी एक्स, तो यही वैल्यू हो गया, तो डी आई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा तुमको वाई और इंटू क्या हो गया लॉग ए, लॉग ए बेस ई, और वाई किसका वैल्यू है तो डी ए टू द पावर एक्स, वाई इसको लिखे थे हम लोग बाई डी एक्स इजक्वल टू क्या हो गया ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। इसको तुम फॉर्मूला के रूप में भी प्रयोग कर सकते हो, जैसे ई टू द पावर एक्स का होता है, तो इसको अगर डायरेक्ट कहीं पर क्वेश्चन में जरूरत है, जैसे कि तुमको कोई पूछ दिया कि तुमको डी बाई डी एक्स टू टू द पावर एक्स कितना होगा, तो डायरेक्ट भी बोल सकते हो इसका वैल्यू होगा एक जगह टू है तो टू टू द पावर एक्स इंटू लॉग टू, ऐसा वैल्यू बोल सकते हैं आंसर, यही आंसर होगा। तो डी बाई डी एक्स टू टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूला के रूप में भी यूज कर सकते हो जहां जरूरत है। अब अगर यहां पर निकालने के लिए ही कहा जा रहा है तो इसको तो डायरेक्ट बनाना ही पड़ेगा, और कहीं पर किसी क्वेश्चन में जरूरत है तो हम अगर बड़ा क्वेश्चन है तो डायरेक्ट भी इसको यूज कर सकते हैं। डी ए पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया ए पावर एक्स लॉग ए, ऐसा इसको यूज कर सकते हैं जी, फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है इसको। तो ये तुमको एक फॉर्मूला हो गया तुमको, उसके बाद कुछ एक याद एग्जाम्पल और एक दो एग्जाम्पल देते हैं। तो ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हो इसका हो गया। अब है तुमको कोई जैसे रहेगा एक्स टू द पावर साइन एक्स, एक क्वेश्चन है तुम्हारा जो तुम्हारा एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है किसको एक्स टू द पावर साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसको मान लेते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं, लेट वाई बराबर मान लेते हैं एक्स टू द पावर साइन एक्स। फिर यहां पर दिक्कत यह है कि साइन एक्स एक्स वेरिएबल है, ये पावर कांस्टेंट नहीं है साइन एक्स, साइन एक्स में एक्स है तो वो वेरिएबल होगा, एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला यहां लागू नहीं होगा। एक्स टू द पावर एन का जो फॉर्मूला होता है वो डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन इसमें लागू नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स टू द पावर साइन एक्स, लॉग वाई बराबर क्या हो गया ये साइन एक्स हो जाएगा और इधर हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। अब दोनों तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं क्या हो जाएगा तुमको डी लॉग वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स, और क्या होगा तुम्हें ये तुमको जो पावर है तुमको ये साइन एक्स का क्या हो गया बाहर आ चुका है, तो पावर क्या आ जाएगा यहाँ पर तुमको बाहर आ जाएगा, क्या बच जाएगा एक्स टू द पावर साइन एक्स है, तो क्या होगा तुम्हारा तो यहाँ पर जो वैल्यू है तुम्हारा तो लॉग क्या होगा तुमको ये जो पावर है उसको बाहर आ जाएगा तो साइन एक्स इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा तुमको डी बाई डी एक्स, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन एक्स इंटू लॉग एक्स ऐसा हो जाएगा। तो ये यू इंटू वी पर टूटेगा, अब इसको जो है तुमको क्या लिख सकते हैं लोग d log y बाय डी वाई और इंटू क्या होगा तुमको डी वाई बाय डी एक्स, और इसको u इंटू भी लगाओ, u इंटू भी लगाओगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर तो u हो गया तुम्हारा कौन, तो पहले एक किसी को बाहर कर दो, दोनों में किसी एक को बाहर कर दो, तो log x को अगर मानते हैं बाहर कर देते हैं तो d बाई डी एक्स कितना होगा तुमको साइन x प्लस साइन x को बाहर कर दिए तो d log x बाय डी एक्स दैट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा तुमको अब ये वन बाय वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, अब क्या होगा तुम्हारा एक को बाहर कर दिया तुमको तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा log x को बाहर कर दिया साइन x का डिफरेंशिएशन log x इंटू cos x हो गया, और प्लस क्या होगा तुमको वन बाय एक्स इंटू साइन x तो साइन x हो गया इंटू 1 बाय एक्स हो गया, तो वाई डी बाई डी एक्स हो जाएगा तुमको वाई चला गया उधर की तरफ, तो वाई का मतलब तो वाई हो गया, और इधर अरेंज कर वाई को तो लिख सकते हो, फिर से लिख ही देते हैं केवल ये आंसर ही फाइनल हो जाएगा, और क्या होगा तुमको साइन एक्स इंटू मतलब कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स ये हो गया कॉस एक्स और इंटू लॉग एक्स, और प्लस क्या हो गया साइन एक्स बाय एक्स, ये तुम्हारा हो गया आंसर हो गया ये, तो ये तुम्हारा हो गया इसको वैल्यू क्या कर दिया हमने इसको y को लिख दिया x की पावर साइन x। तो इस प्रकार के जैसे पावर में जब वेरिएबल होगा तो कभी भी आपको क्या करना पड़ेगा लॉग लेना ही पड़ता है, उसी के आधार पर डिफ्रेंशिएट होगा।
जैसा कि देख रहे हो। अब देखते हैं एक क्वेश्चन है जो तुमको जिसमें कि अलग अलग एज्यूम करके बनाना पड़ता है उस क्वेश्चन को, जिसका कि तुम्हारा एग्जांपल में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ, एक्सरसाइज में भी है उस तरह क्वेश्चन, तो जिसमें डी और डी एक्स निकालना है एक, तो सबसे हार्ड टाइप का वही क्वेश्चन रहता है। और उसके बाद तो तुमको सिंप्लीफिकेशन ये यही सब रहेगा, बाकी तो इतना जानकारी के बाद तुमको 5.5 जो एक्सरसाइज है और एग्जाम्पल तो लगभग बता ही दे रहे हैं, तो मैं से बना लोगे फिर से एक बार एनसीईआरटी का, और भी किसी बुक से बना सकते हो। तो तुमको क्वेश्चन है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स टू दी पावर वाई प्लस वाई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू ए टू दी पावर बी। तो इसमें क्या है, अगर हम इसमें लॉग पावर में तुमको वेरिएबल है, एक्स और वाई दोनों वेरिएबल होता है, तो पावर में जब वेरिएबल है तो हमें लॉग लेना पड़ेगा, लेकिन यहां पर अगर हम लॉग लेते हैं तो लॉग सब तो प्लस में है, तो कोई पावर तो बाहर आ भी नहीं पाएगा, तो हमें कोई लाभ भी नहीं होगा। तो इसको किस ढंग से बनाया जाए, तुम्हारा इसको जो सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में लिखते हैं, फिर से क्वेश्चन को लिखते हैं, एक्स टू दी पावर वाई प्लस वाई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू ए टू दी पावर बी। तो इसमें तो ये जो देख रहे हैं, इसमें जो तुमको पावर है इसमें तो कांस्टेंट है, इसमें b कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, इनफैक्ट ये तो एक कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन जीरो ही हो जाएगा, ये तो ये पे पावर b लिखा हुआ है, जस्ट b भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट होता है, तो ये तो कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन इधर की तरफ प्रॉब्लम है कि तुमको ये भी पावर है, इसमें पावर वेरिएबल है, लेकिन लॉग डायरेक्ट लेंगे तो हमको कोई फायदा नहीं होगा, इसको क्या करना होगा। इस तरह के क्वेश्चन को जैसे तुमको दोनों तरफ लॉग लेते हैं, डी एक्स लिखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमको तो ये डिफरेंशिएट जब करेंगे तो डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर वाई प्लस वाई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर बी। और ये तो मैंने कहा कि कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसको अलग अलग तो हम कर सकते हैं, ये तो रूल है हमारा डिफरेंशिएशन का, एक्स टू दी पावर वाई प्लस डी बाई डी एक्स वाई टू दी पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू ये कॉन्स्टेंट हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। अब तुमको है एक्स टू दी पावर वाई, इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। अब इसका डिफरेंशिएट करने का तो हम लोग को जाहिर है इसके लिए क्या करना होगा, इसको अलग अलग इसको मानना पड़ेगा और इसको अलग अलग जूम करके हम लोग क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे कि डी बाई डी एक्स इसको यू मान लो, फिर तुमको डी वाई एक्स इसका निकाला इसको भी मान लो और इसको क्या मान लो डब्ल्यू मान लो, तीनों को अलग अलग तो डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल के लाते हैं, डी यू बाई भी बाई डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स डी भी बाई डी एक्स और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इसको जोड़ देंगे तो उसमें सब में डी बाई डी एक्स रहेगा और इस तरह से इसका वैल्यू क्या हो पाएगा निकल पाएगा। जैसे इसको करके देखते हैं, यू इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर वाई है, अब लॉग लेते हैं, इसमें लॉग अगर लेंगे तो हमको बेनिफिट हो जाएगा, अलग अलग लेंगे तो वाई लॉग एक्स आ जाएगा, यहाँ पर पावर आगे आ जाएगा, एक स्टेप कम कर दिए। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको भी थोड़ा सा छोटा कर देना, वन बाई यू डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा और दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुमको ये वाई बाहर आ गया इंटू लॉग एक्स है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा तुमको, एक बाहर आ गया वाई बाहर तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स प्लस लॉग एक्स बाहर आ गया तो इसका डिफरेंशिएशन इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब इसमें क्या होगा तुमको, तो डी तुम्हारा जो है यू बाई डी एक्स, डी यू का मतलब एक्स टू दी पावर वाई बाई डी एक्स जो हो गया, दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुमको एक्स टू दी पावर वाई आई इंटू कितना होगा तुमको वाई बाय एक्स और प्लस क्या होगा तुम्हारा और लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये इतना वैल्यू आ गया। और ये जो है इसका वैल्यू बारी बारी से इक्वेशन नंबर वन में, जिसको इक्वेशन ये जो तुम्हारा है इसमें पुट करेंगे, इसमें जाकर के लास्टली तीनों का वैल्यू ला के इस इक्वेशन में हम लोग क्या कर देंगे पुट कर देंगे, तो इसमें भी सब जहां जहां डी वाई डी एक्स रहेगा उसको एक जगह कॉमन ले लेंगे, बाकी सबको एक तरफ करेंगे तो हमको इसका वैल्यू डी वाई डी एक्स का आ जाएगा। तो हमको पहले जैसे यू निकाले इसी प्रकार से क्या निकालेंगे डी वी बाई डी एक्स निकालेंगे, तो वी इक्वल टू क्या जाएगा वाई टू दी पावर एक्स हो जाएगा, तो इसमें फिर क्या निकालेंगे धीरे धीरे इसका जो है लॉग लेकर के फिर क्या करेंगे लॉग भी लेंगे, तो लॉग भी इक्वल टू क्या हो जाएगा तुमको वाई टू दी पावर क्या है तुमको एक्स टू दी पावर वाई हो गया, इसमें वाई टू दी पावर एक्स है तो एक्स लॉग वाई हो गया, इसमें एक्स लॉग वाई तो ये तुम्हारा क्या जाएगा तो वन बाय वी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इंटू डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया एक्स तो तुमको बाहर हो गया तो एक बार एक्स तो लॉग वाई बाहर हो जाएगा डी एक्स बाय डी एक्स वन हो गया प्लस एक्स बाय वाई हो जाएगा इंटू डी वाई
डी एक्स हो जाएगा। तो डी वी बाई डी एक्स कितना हो गया, डी वी का मतलब हो गया वाई टू दी पावर एक्स बाई डी एक्स, तो वी का वैल्यू तो हो गया वाई टू दी पावर एक्स, और इधर की तरफ क्या हो गया तुमको, ये हो गया लॉग वाई प्लस ये तुम्हारा हो गया एक्स इंटू एक्स बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये तुमको फिर ये जो है तुमको इसको इसका वैल्यू क्या डी वी बाई डी एक्स इसमें पुट करेंगे वन में, और इसी तरह से क्या पुट करेंगे डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, और तीनों को पुट करने के बाद इज इक्वल टू जीरो करके सबको डी आई डी एक्स को कॉमन लेके क्या करेंगे, सो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स फिर बाद में पुट कर देना, मैं लिख देता हूँ उसे, पुट करने के लिए छोड़ देंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स है, तो लॉग डब्ल्यू क्या हो जाएगा एक्स लॉग एक्स हो जाएगा, तो वन बाय डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वन बाय एक्स प्लस लॉग एक्स हो गया। तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स क्या हो गया तुमको एक्स टू दी पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स, पुट इन इक्वेशन वन, पुट इन इक्वेशन वन एंड फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डी वाई डी एक्स को बोला जिसमें है सबको लेफ्ट साइड रखेगा, बाकी को जितने डी वाई डी एक्स नहीं उसको राइट साइड देके डी वाई डी एक्स को वैल्यू कैलकुलेट कर लेगा। इसमें इक्वेशन पुट कर दो सब में डी वाई डी एक्स तीनों में है, तो तीनों में क्या होगा तुमको डी वाई डी तीनों में दो गो में है डी वाई डी एक्स, इनफैक्ट इसमें और इसमें है, इसमें तीसरा वाला तो डी डब्ल्यू में है नहीं डी वाई डी एक्स, तो जो भी है तुमको जिसमें डी वाई डी एक्स नहीं है उसको दहना साइड भेज देना है इस इक्वेशन में, और क्या हो जाएगा तुमको यहाँ पर डी वाई डी एक्स जो भी रहेगा लेफ्ट साइड में आ जाएगा, बाकी को तुमको राइट साइड भेज के डी वाई डी एक्स कॉमन लेके उसका वैल्यू निकाल देंगे। तो समझ में आ गया होगा कि अगर तुमको जब प्लस में रहे तो उसको अलग अलग करना पड़ता है, यू भी डब्ल्यू इस तरह से मानना पड़ता है, तब जाके लॉग लेंगे तब क्वेश्चन बनेगा। कब ये टेक्निक लगाना होगा, जब एक्स टू दी पावर वाई को पावर में चाहे तुमको जैसे इस ये भी क्वेश्चन जैसे एक्स टू दी पावर साइन एक्स प्लस लॉग एक्स पावर कॉस एक्स ऐसा है, तो अब इसमें भी बिना यू भी माने क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसको यू मानोगे इसको भी मानोगे फिर इसका डी यू बाई डी एक्स अलग निकालोगे इसको डी वी बाई डी एक्स निकालोगे तभी बनेगा ये क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन जिसमें कि पावर में लॉग पावर में वेरिएबल है और प्लस या माइनस है बीच में साइन, तो इसको यू भी मानना ही पड़ेगा आपको, यू भी मान के अलग अलग करके तब क्या करना दोनों का डिफरेंशिएट अलग अलग करके जोड़ देंगे। यहां पर जैसे कि यहां पर किए ना डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे डी यू बाई डी एक्स डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इसमें रख करके इसमें पुट करके डी आई डी एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। या सिंपल डिफरेंशिएट भी करना तो भी हमको क्या करना पड़ेगा अलग अलग मानना पड़ता है। तो इसके बाद तुमको जो है इसके यहाँ के बाद तुमको चाहोगे तो एनसीईआरटी का तुम जो है एक्सरसाइज 5.5 तुम बना सकते हो, जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है तुम इस इजीली बन जाएगा। जहां पर तुमको दिक्कत हो किसी भी तरह का क्वेश्चन में फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ में राष्ट्रीय ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क करके तुमको न्यूमेरिकल हो या क्वेश्चन हो तुम बना सकते हो, या थ्योरी में दिक्कत हो तो हमसे संपर्क कर सकते हो। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।